हेलो माय फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। एक और नए व्लॉग में शिमला से तुम्हारा भाई। तो भाई कैसे हो आप सभी? गुड मॉर्निंग। अभी मैं शिमला पहुंचा हूं टॉय ट्रेन से। टॉय ट्रेन वाला आपने व्लॉग देख लिया होगा। तो यहां पे शिमला में बहुत सारे टूरिस्ट प्लेस हैं, मैं आपको अभी एक एक करके दिखाता हूँ। जैसे ही रेलवे स्टेशन से आप बाहर निकलोगे, सबसे पहले ये रेलवे स्टेशन है, इससे आपको ऊपर आना है। ऑटो टैक्सी रूम वाले से थोड़ा सा बच के और ऊपर की तरफ आ जाना है। यहाँ से बसेज की सर्विस चलती है और यहाँ से बहुत सारे टूरिस्ट प्लेस हैं जो कि ऊपर की तरफ जाएंगे। बहुत सारी मूवीज बनी है, बहुत सारी सॉन्ग में भी उनकी क्लिप बनी है। बहुत ही बढ़िया हॉटस्पॉट है भाई। और जाखू मंदिर जो कि एशिया का सबसे ऊंची प्रतिमा है भगवान हनुमान की, वो भी यहीं पे देखने को मिलती है। आराम से आराम। चलो आओ। हाँ वैसा ही है, बिल्कुल ऊंचे ऊंचे रोड है ढलान वाले। अगर इस तरफ देखो तो बिल्कुल ऐसी ऊंचाई पे चल रहे हैं हम लोग। लॉजिक सही है कि नहीं? लॉजिक तो है सही में। यहाँ देखने के नजारे हैं भाई, बढ़िया बढ़िया। और रात के समय सारे घरों की लाइट जगमग करनी शुरू हो जाती है, सब एकदम मरगा मजा आएगा फिर यहाँ पे देखने के। सिंगल रोड है लेकिन यहाँ से थोड़ी सी दूर निकलने के बाद हमें फुटपाथ मिल जाएगा, जहाँ से आप मतलब बिल्कुल 11 नंबर की गाड़ी से आप लोग कहीं पे भी ट्रेवल कर सकते हो। लो भाई, ट्रैफिक रूल तो बड़े मस्त है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा सेब कुछ कुछ रेयर केस है। पहाड़ों में किस तरह से बादल। देवभूमि हिमाचल प्रदेश आपका स्वागत करता है। हाँ, महालेखाकार कार्यालय। यहाँ पे बहुत सारे व्यू पॉइंट आते हैं। देखो ये की व्यू पॉइंट है, क्या मस्त चीज है ये। देखो भाई, फोटोग्राफी करनी हो, व्लॉगिंग तो मैं कर ही रहा हूँ। और सामने बादल देखो किस तरह से हैं, बढ़िया है ना भाई। और रूम का प्राइस तो भाई यहाँ पे चलता है 1000 से 1200, 1000 रुपये 1200 रुपये चलता है। आप रूम भी ले सकते हो। और यहाँ से कुफरी पड़ता है, 30 से 40 किलोमीटर कुफरी भी जा सकते हो, लेकिन कुफरी में अभी कुछ नहीं मिलेगा, ऐसा ही मिलेगा। बाकी ठंड तो यहाँ पे भी है, जैसे बर्फ में ठंड होती ना वैसे ठंड यहाँ पे भी है भाई। जो सीन देखने का है ना वो ये, देखो घरों के अंदर किस तरह से बादल प्रवेश कर रहे हैं। सबसे बढ़िया तो यही चीज देखने को मिलती है यहाँ पे। और इस पेड़ के ऊपर क्या लगा हुआ है भाई, ये पता नहीं क्या लगा हुआ है इस पेड़ के ऊपर, यहाँ का फ्रूट होगा कोई। यहाँ से आपको एक ना मूर्ति दिख रही होगी भगवान हनुमान की, वो देखो वो रही, वो एशिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है। यहाँ क्या है, शिमला की धरोहर। शिमला का पूरा रूट मैप बना रखा है। शिमला में जो चीज भी देखने की है, सबसे ऊपर जाखू टेम्पल, फिर जाखू टेम्पल रोपवे, रोपवे से भी जा सकते हैं जाखू टेम्पल पे और पैदल भी। फिर है लक्कड़ बाजार है, क्राइस्ट चर्च है और कालीबारी मंदिर है। वाह, अब हम बढ़ रहे हैं क्राइस्ट चर्च की तरफ और जाखू टेम्पल। जो जो टूरिस्ट प्लेस है ना मैं आपको सारे आज कवर करूंगा, 3 से 4 घंटे में सारे के सारे टूरिस्ट प्लेस इसी व्लॉग में कवर कर दूंगा। दिखा दूंगा कि भाई शिमला में क्या कुछ है। देखो ये टूर एंड ट्रेवल्स, यहाँ से आपको अपने होटल वगैरह या फिर आपको अगर कैब वगैरह करनी हो या फिर यहाँ के जो कुफरी है, मनाली है, उसके लिए भी आप लोग टैक्सी वगैरह कर सकते हो। बसेस भी जाती हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी है, वो आपकी मर्जी है भाई। ये पता नहीं क्या चीज़ है, सब कुछ ग्रीन ग्रीन कर रखा है भाई। होटल है। रेलवे स्टेशन के पास और बस स्टैंड के पास में ही पास वाला जो एरिया है ना, वही सबसे ज़्यादा रस दिखेगा आपको शिमला में, इस एरिया में सबसे ज़्यादा रस दिखता है। और उसके अलावा यहाँ पे और रस नहीं दिखता है। हाई क्वार्टर, आर्मी ट्रेनिंग कमांडेंट, एंट्री माई मिशन, माई कमांडर्स माई ड्यूटी। चलो आगे बढ़ते हैं। मैं तो प्रेफर करूँगा कि अगर आप मेरी तरह अगर जवान हो तो भाई अपने पैरों से चल के आना, लेकिन अगर फैमिली के साथ आ रहे हो, फैमिली के साथ अगर ट्रैवल का प्लान बनाया है तो फिर आप लोगों को कैब वगैरह या फिर कुछ करनी पड़ेगी, क्योंकि वो थक जाएंगे भाई। और यहाँ पे आप रोड के ऊपर थूक नहीं सकते, 500 रुपये जुर्माना है। आर्मी ट्रेनिंग कमांडेंट, ट्रेन टू फाइट। जाखू मंदिर इतना बस यही है जो चढ़ाई थी। हाँ। वहाँ बाकी आगे ऊपर कौन चढ़ पाओगे? मैं तो पहले एक बार पहले भी आया हूँ आपके बारे में। पहले भी तो जब जवान थे भाई चढ़ जाओ थे, मेरा एक्सीडेंट हो रहा है, पैर में दर्द है, इसके नहीं तो कुछ नहीं, बाबा ने तो पूरी
जिन्ने की चढ़ाई कर रखी तो लिफ्ट चल गई नु। हां दीदी बोले चल तो मैं घुमा के लाऊं। मैं कहा सही है ये बुढ़ापा में घूम लोगे वो भी बढ़िया है। अकेले जाना सब कुछ और जाना बेटा बस जिसे ले लो बढ़िया घूम फिर है ना यही तो। हां 10000 रुपए लेते अरे उल्टे जाओगे क्या तुम। बस यही दो पांच सात जगह है घूमने की घूम ही लिया फिर वापिस और क्या घूम रखा मार पर हम खाटू श्याम का। हाँ। खाटू श्याम में वैसे खाटू श्याम जाया करूँ हमेशा। अच्छा। हाँ भिवानी आया नहीं मैं भिवानी में भी दादरी गेट पे समझ गया मैं। हाँ, और राधा कृष्णा का मंदिर भी हाँ, है बहुत उसमें पूरी वो लिख रखी है। हाँ, वहीं की हूँ मैं वहीं। और वहाँ पे कुछ जो तो मन बुद्धि के आदमी है उनकी भी है स्कूल भी उसके में। घर के पास ही हमारा। अच्छा 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 बाकी यहाँ के बंदर थोड़े से चालाक है भाई। बंदर के बंदर है ना। हाँ इंसान ना बल्कि हूँ आज भी हनुमान के इंतजार कर रहे हैं। देखो ये कोस ले छीन लेगा नहीं भाई। ये ऐसा ही है कि आपसे आपके सब पास कुछ होगा ना जैसे चश्मा होगा या फिर आपका मोबाइल अगर आप वीडियो बना रहे हो या फिर और भी कोई सामान है तो आपका छीन लेंगे और भागेंगे नहीं वहीं पे बैठ जाएंगे। उनको कुछ खाने की चीज़ दो तब वो आपका सामान छोड़ेंगे। इतने चला गए आगे बंदर। बस और कुछ नहीं है बंदर यहाँ के नुकसान नहीं पहुँचाते बस थोड़े से चलाकी दिखाते हैं। लो भाई ये आ गया वॉल्फ है ना जी। वॉल्फ भेड़िया पाल रखा था भाई। भेड़िया पाल रखा था इस भाई ने। भेड़िया था ये। और यहाँ पे लाइसेंस शिमला देवी। यहाँ पे वाइन महंगी मिलती है बहुत ज़्यादा महंगी है यहाँ की शराब की बोतल क्योंकि टूरिस्ट प्लेस है भाई। तो यहाँ से अगर कुछ भी खरीदोगे ना तो सब कुछ महंगा मिलने वाला है आप लोगों को। ये तो बहम ही निकाल देना कि आप लोगों को एज ए स्ट्रीट फूड मिलेगा कुछ सब कुछ महंगा मिलेगा कुछ भी खरीदो चाहे। हाँ यहाँ पे रेस्ट कर सकते हो वो महंगा नहीं है आराम से लगा रखे हैं आपको रेस्ट करने के लिए कहीं बैठो अगर थक गए तो छोटा मोटा गोलगप्पे वगैरह कुछ स्ट्रीट फूड वगैरह आप कर सकते हो ट्राई। स्वीट कैंडी इंडियन चाइनीज कप्स साउथ इंडियन स्नैक्स लेकिन चीज़ें सारी मिलती हैं यहाँ कुछ भी मतलब इंटरनेशनल चीज़ भी आपको सारी चीज़ें अवेलेबल होंगी यहाँ पे कुछ भी ले सकते हो। ये देखो भाई इनको वजन चढ़ाना पड़ता है ऊपर। क्या आ गया टूरिस्ट प्लेस सबसे बढ़िया टूरिस्ट प्लेस जो शिमला का जो मेन टूरिस्ट प्लेस है वो यही है। यही आपको सारी चीज़ें मिलेगी। ये लाला लाजपत राय द ग्रेट पैरेट ऑफ पंजाब वीआईपी एरिया कहने के लिए। यहाँ यार थोड़ी कच्ची कच्ची सी भीनी भीनी सी खुशबू सी आ रही है पता नहीं खुशबू एक क्या कहूँ ऐसा लग रहा है कि जैसे आटा गूंथते हैं ना वैसी वैसी सी आ रही है। और भाई अगर कोई मेरा वो लोग देख रहा है अगर वो शिमला नहीं आया है कसम से एक तो शिमला और एक माता वैष्णो देवी देखो दोनों जगह हैं तो थोड़ी सी शिमला तो मैं ये नहीं कहूँगा कि धर्म की जगह है बाकी माता वैष्णो देवी तो बिल्कुल धर्म की जगह है लेकिन बहुत अच्छी जगह घूमने के लिए। अब मैंने घूमा है तो आप लोगों को सजेस्ट कर रहा हूँ कि मेरे को कौन सी जगह पे घूम के सबसे अच्छा मज़ा आता है। एक तो भाई शिमला बिल्कुल बजट ट्रैवलर आप लोग बजट में ट्रैवल कर सकते हो सीधा जहाँ से भी हो आप शिमला के लिए सीधा चंडीगढ़ आओ चंडीगढ़ से आओ कालका से आप टॉय ट्रेन की जो कि जनरल की टिकट बिल्कुल 50 रुपये और जो सीटिंग की है वो 65 है अगर कोई एसी वगैरह या फिर रिजर्वेशन करवा रहा है तो 270 में प्रॉपर 94 किलोमीटर की जर्नी आपकी 5 से 6 घंटे में कंप्लीट हो जाती है और बहुत एडवेंचरिंग है बहुत सारी मेमोरीज इकट्ठा करने को मिलेगी आपको। और उसके बाद पहुंच जाओगे शिमला और शिमला में तो आप लोग देख ही सकते हो मेरे व्लॉग में कि मैं क्या कहते आप लोगों को दिखा रहा हूँ। इतना बढ़िया व्यू है यार देखो बादल किस तरह से पहाड़ी के अंदर घुस चुका है सामने बिल्कुल देख लो हो रहा जो मैं नंगी आंखों से देख सकता हूँ ना अपना वो कैमरा शायद नहीं ले पाएगा और नहीं ना ही ले पा रहा है लेकिन जो यहाँ पे आप एक्सपीरियंस है आपको जो फील होगा ना अपने मन से वो बड़ा डेयरिंग है भाई कसम से वो मतलब बता क्या मैं एक्सप्लेन कर ही नहीं सकता इतना डेयरिंग है। जो घूमने फिरने का शौकीन है वैसे सभी होते हैं भाई घूमने फिरने के शौकीन करना चाहिए कुछ समय अपने लिए भी निकालना चाहिए